लॉस हो गई थी, मैंने अपने बच्चे बहुत मुसीबत से पाले हैं, मुझे पता मैंने कितनी मुसीबतें उठाई हैं। मैं चाहती हूँ किसी का पति शिविर में दर्द ना हो, किसी के पति की, और वो इतना मतलब आवाज़ के साथ नहीं बोल पा रही, वो वैसे भी मना कर रही थी, कह रही मैं मतलब ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ बात करते हुए, तो वो आपके सामने ज़्यादा नहीं बोल पा रही है इसीलिए। तो अभी मैं मिलवाना चाहूँगी, अभी जो DLF में जो अभी लगा अभी रिसेंटली जो मौतें हुई हैं उसमें से हमारे साथ शाहनवाज के पापा हैं यहाँ पर, वो आपको बताएंगे अपने दर्द के बारे में, आपके साथ बात करेंगे। हेलो, 19 साल का मेरा बच्चा था सरफराज, और वो कुछ दिन उसका रेलवे फैक्ट्री में नौकरी चल रहा था 9-10 साल से उसका साफ पेप या सफाई उफाई नीचे का पैप उप देखना, और ज़बरदस्ती उसको जो है वहाँ का सुपरवाइजर मैनेजर ज़बरदस्ती सफाई लाइन में दिखाया, खरीदर में दिखाया, उसमें हमारे बच्चे की जान चली गई। कंपनी अभी तक मेरे को नहीं कोई सूचना दी है, नहीं खबर की है और नहीं कुछ की है। उसमें से एक बच्चा बच के आया, वो हमें इन्फॉर्म किया कि आपका सरफराज बच्चे जो है कि दीनदयाल में भर्ती है। तो मैंने यहाँ से किया दीनदयाल, तो वहाँ डॉक्टर लाश भी नहीं देखने दे रहा था, फिर भी हमने कहा कि जाए आयोग को, फिर बच्चों से मैं ले गया, फिर लाश देखने दिया मेरे बच्चे को, और फिर जा करके वो बच्चे को वहाँ पर जो है लाश देखने दिया, बच्चा यहाँ से गया तो मरा पड़ा हुआ था। कंपनी अभी तक नहीं कोई सूचना, नहीं कोई जारी, कुछ नहीं किया गया है। सरकार 10 लाख का योजना अलॉट कर दिया है, मगर अभी तक कुछ नहीं मिला है, और नहीं कंपनी अभी तक कुछ नहीं मिला। हमें सरकार से ये अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी सजा उस मैनेजर को दिया जाए और उस कंपनी को बंद किया जाए, हमारी इंसाफ यही है। अभी कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से इनके बेटे की जान चली गई। आप ये देखिएगा कि DLF कितनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कितनी सारी व्यवस्था उसमें की गई है, लेकिन एक सफाई का व्यवस्था, सफाई करने का, सीवर साफ करने का सिस्टम उनके पास नहीं है। जो एक मेन मुख्य एक होना चाहिए इसकी सुविधा कि वो मशीन द्वारा, वो भी बेसमेंट, जो -2 पर बेसमेंट है, वहाँ पर इनके बच्चों को जबरदस्ती सीवर लाभ करने के लिए भेजा गया। तो इसमें पूरी की पूरी लापरवाही बरती गई है, और लापरवाही की वजह से इनके बेटे की जान गई है। इसमें पांच व्यक्ति एक साथ मरे हैं। थोड़ा बताने में भी अंदर से दर्द होता है, दुखता है जिन्हें सब बातें करने में भी। अभी मैं बात करूँगी जो उसी में विशाल थे, उनके साथ पांच में से एक व्यक्ति विशाल थे, उनकी उम्र केवल 19 साल थी, और वो अपने घर का भरण पोषण करने वाला एक अकेला व्यक्ति था। उनकी मदर बीमार है, फादर बीमार है, और बाकी के दो बहन भाई उन्होंने पढ़ने के लिए लगाए हुए हैं, उसके बावजूद एक अकेली अर्निंग का सोर्स। अब सोचिएगा उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, कैसे वो अपने घर का खर्चा चला रहे होंगे। और सरफराज के पापा देखेगा हैंडीकैप है, आपने सब देखा। अभी मैं बात करूंगी अंदर से। अभी अंदर जीत से पहले विमल थोराज हमारे बीच में है, जो कि सफाई कर्मचारी आंदोलन की बोर्ड मेंबर भी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी। जय भी मैम, आप लोगों के बीच है। सभी साथियों को जय भीम सलाम और लाल सलाम। साथियों, आज हम किसी भी सरकार से या किसी भी सिविल सोसाइटी से न्याय की गुहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के मांगने से नहीं होने वाला, या इसमें कोई सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करने वाला है।
या कोई न्यायपालिका भी इस पर न्याय करने वाली नहीं है। ये हजारों साल से चली आ रही परंपरा का ये जो अभिशाप है, उस अभिशाप को झेलने वाला जो समाज है, जो दलित समाज है, जो रोज इस शहर की, इस देश की गंदगी साफ करने के लिए मौत के मुंह में ढकेला जाता है, उसके लिए ये देश कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ की सरकार, जो मौजूदा सरकार जो है, जो हिंदुत्ववादी सरकारें जो है, किसी भी राज्य की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो जवाबदेही नहीं है, क्योंकि वो मनुवादी सरकारें हैं और वो नहीं चाहती है कि इस देश से जाति व्यवस्था, जिस जाति व्यवस्था ने ये जो मौत हमारे सिर पर मढ़ दी है कि आपकी मौत ऐसे ही लिखी गई है, मनुस्मृति में जो लिखा गया है आज उसका उसी तरह से पालन किया जा रहा है, उसे जरा सा भी उसे चेंज करने की किसी की भी कोशिश नहीं नज़र आ रही है। अगर हम ये कहें कि कल को हमारा ये जो सीवर में जो मौतें हो रही है, हमारे 7 दिन में 11 और पूरे पिछले सालों में 2500 जो मौतें हुई हैं, उसके जो जिम्मेदार हैं वो केवल सरकार नहीं है, क्योंकि इस सरकार से हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं उस सिविल सोसाइटी से, जो नागरिक समुदाय है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या वो ये मौत ऐसे ही देखने के लिए तैयार है, या मौत मौत होने जिम्मेदार रहेगा कि वो ज़बरदस्ती उतारेगा और अपनी गंदगी साफ करेगा। तो आज ये चैलेंज यहाँ से हमारे सभी उन भाई और बहनों के साथ हम देना चाहते हैं उस नागरिक समुदाय को।